नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं बिग बैश लीग के फर्स्ट मुकाबले के बारे में। मेलबर्न स्टार वर्सेस सिडनी थंडर के बीच में फर्स्ट मुकाबला खेला जाना है उसकी। और भाइयों, इस मैच में मेरी क्या टीम रहेगी, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी और क्या होने वाला है इस मैच में, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भाइयों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए गिव अवे भी रखा है। गिव अवे विन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देते हो, सही दे देते हो, सबसे पहले दे देते हो, तो आपको मिलेगा 5555 रुपये। तो गिव अवे क्वेश्चन क्या है वो मैं आपसे आगे पूछूंगा। बाकी सीधे बात कर लेते हैं आज के मैच के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो भाई, कैनबरा ग्राउंड में मैच खेला जाएगा और इस पिच पे आज से 4 साल पहले यहाँ पे स्पिनर्स को बहुत अच्छी हेल्प मिलती थी। बाकी उसके बाद से देखा जाए तो भाई यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प ही नहीं मिलती, फास्ट बॉलर्स का गेम रहता है। और लास्ट सीजन तो भाई यहाँ पे स्पिनरों को विकेट ही नहीं मिलते थे, टोटल विकेट सारे फास्ट बॉलर ही लेते थे। ठीक है, तो फास्ट बॉलर को अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है। बाकी हाँ, बहुत दिनों बाद में यहाँ पे मैच खेला जा रहा है तो विकेट फ्रेश रहेगा, बल्लेबाजों को भी अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है। और लास्ट सीजन जब यहाँ पे बिग बैश लीग के मैच हुए थे तो यहाँ पे भाई 200 रन चेस हो जाता था। ठीक है, तो इतना मतलब बल्लेबाजों को भी हेल्प मिल जाती है। तो यही पिच रिपोर्ट है। सीधे बात कर लेते हैं अब टीम की, तो सीधे चलते हैं ड्रीम इलेवन पे, वहीं से भाई मैं अपनी टीम भी बना लूँगा और गिव अवे का क्वेश्चन भी मैं आपसे वहीं पर पूछने वाला हूँ। ओपन हो गया है ड्रीम इलेवन, टीम मैंने बना के रखी है। भाई आपको बता देता हूँ क्या मेरी टीम रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। विकेट कीपर सेक्शन में जो क्लार्क है, एम ग्लिक्स है, बाकी यही दोनों खेलने वाले हैं। बाकी अगर एस वाइटमैन खेलेगा तो ओपनिंग कर सकता है अपनी टीम से। ठीक है, वैसे कम ही चांस है। जो क्लार्क ही रहेगा भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट विकेट कीपरिंग सेक्शन में, ओपनिंग करने वाला है और भाई ज़बरदस्त प्लेयर है, विकेट कीपरिंग भी करने वाला है, तो यहाँ से मैं क्लार्क को ही लेने वाला हूँ। बात कर लेते हैं अब बैटिंग सेक्शन में आके बल्लेबाजों की। एलेक्स हेल्स है, डेविड वॉर्नर है, जे बर्न्स है, राइली रूसो है, हिल्टन केट राइट है, ए रोस है, नी क्लार्क एंड ओलिवर डिवाइस, ये सब खेलने वाले हैं। मैं बता देता हूँ आपको मैं किस किस को लेने वाला हूँ। मैं लूँगा भाइयों यहाँ से एलेक्स हेल्स को। भाई हेल्स का ऑस्ट्रेलिया की पिच पे बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है और इंडिया को हराने वाला एलेक्स हेल्स ही था, आपको मालूम होगा। और वो मैच भी ऑस्ट्रेलिया में ही था। लास्ट बिग बैश देख लो, इससे पहले बिग बैश देख लो, भाई हर बिग बैश लीग में एलेक्स हेल्स ने खूब अच्छे रन मारे हैं और भाई हाईएस्ट रन स्कोरर रहता है बिग बैश लीग में। तो एलेक्स हेल्स ज़बरदस्त रहेगा इस मैच में। ऑस्ट्रेलिया की पिचों में बहुत शानदार रिकॉर्ड है। बाकी अभी डाबू में चला नहीं, लेकिन यहाँ पे चलने वाला है। ठीक, डेविड वॉर्नर को मैं लेने वाला हूँ। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, ओपनिंग करने वाला है एलेक्स हेल्स के साथ में। बाकी जे बंस को भी आप ट्राई कर सकते हो, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेगा, चौथे या तीसरे, वैसे चौथे पांचवें नंबर पे आता है, थोड़ा स्लो खेलता है, T20 का प्लेयर नहीं, ODI और टेस्ट में ज़्यादा खेलता है। बाकी हाँ, बिग बैश लीग में लास्ट ईयर भी खेला था पर कुछ खास किया नहीं था। राइली रूसो खेलेगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा, वैसे कम चांस है, खेल भी सकता है। ठीक है, केट राइट भाई ये बहुत शानदार प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेगा पाँचवें छठे पे। ठीक है, बाकी भाई प्लेयर बहुत शानदार है, कभी कभी पार्ट टाइम बॉलिंग भी डालता है, तो यहाँ से मैं केट राइट को लेने वाला हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ से निक लार्किन को भी ले सकते हो। ये निक लार्किन ओपनिंग भी करता है, वन डाउन बैटिंग भी करता है, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करता है, पर मैं जाऊँगा केट राइट के साथ में। यहाँ से मैं तीन ही बल्लेबाज लूँगा। अब आ जाता हूँ मैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल, भाई बिग बैश लीग में मैक्सवेल के बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं और बहुत अच्छा खेलता है, बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करता है, बॉलिंग से ही पॉइंट लेता है, बैटिंग से ही पॉइंट लेता है। और क्या है कि ओप स्पिनर है, और क्या है जो सिडनी थंडर की टीम है उसमें लेफ्ट हैंडर्स हैं, डेविड वॉर्नर, राइली रूसो, तो उनके सामने बॉलिंग डालने वाला है। ठीक है, और विकेट चटका देता है भाई। ठीक है, तो मैक्सवेल को मैं लेने वाला हूँ और भाई बैटिंग भी शानदार करेगा, टू डाउन बैटिंग करेगा या फिर वन डाउन भी आ जाता है, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेगा। मार्कस स्टोइनिस
भाई मार्कस स्टोइनिस यार बिग बैश लीग में बहुत जबरदस्त खेलता है, ओपनिंग करता है, बॉलिंग नहीं डालता है, बॉलिंग नहीं डालता है, ध्यान रखना, बैटिंग करता है, ओपनिंग करता है। और भाई स्टोइनिस ने आज से 2 साल पहले भाई शतकों की झड़ी लगा दी थी बिग बैश लीग में ओपनिंग कर करके। तो लेने वाला हूँ भाई मैं, जबरदस्त रहने वाला है मार्कस स्टोइनिस इस मैच में। बाकी हाँ, डेनियल सेम भाई बिग बैश लीग से ही आया है। डेनियल सेम का भाई बिग बैश, मान के चलो कि ये बिग बैश लीग के लिए बनाया। हर मैच में बंदा कैप्टन बन जाता है, दो दो तीन तीन विकेट और रन भी मार देता है। तो भाई इस मैच में सबसे ज़बरदस्त अगर कोई प्लेयर है तो डेनियल सेम को मैं लेने वाला हूँ। बाकी हाँ, यहाँ से आप जे सांगा को भी ट्राई कर सकते हो। जे सांगा अगर खेलेगा तो ये भी यहाँ लास्ट ईयर ओपनिंग कर रहा था आप, लेकिन क्या है कि सिडनी थंडर की जो टीम है उसमें एलेक्स हेल्स और डेविड वॉर्नर भी है, तो वो दोनों ओपनिंग करेंगे। ये वन डाउन या फिर टू डाउन बैटिंग कर सकता है। वेबस्टर को भी आप देख सकते हो। बेन कटिंग का अभी रिसेंटली फॉर्म कुछ नहीं है, खास नहीं है, बाकी यहाँ बिग बैश लीग में अच्छा खेलता है और कोई ज़्यादा खास है नहीं। यहाँ से तीन ही ऑलराउंडर लूँगा मैं। अब आ जाता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में। अच्छा हाँ, गिव अवे क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं, चल गिव अवे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपसे। भाई आपको बताना है कि डेनियल सेन इस मैच में कितने विकेट लेने वाला है और कितने कैच पकड़ने वाला है, ठीक है, और कितने रन मारने वाला है और कितने फैंटेसी पॉइंट्स लेने वाला है। अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दे देते हो, सही दे देते हो, तो आपको मिलेगा 5555 रुपये। क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा। बाकी हाँ, अब मैं आपको टर्म एंड कंडीशन बता देता हूँ। गिव अवे विनर बनने के लिए आपको आंसर तो देना ही है कमेंट में, साथ में आपको वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है, और आपको अपनी कमेंट गलती से भी एडिट नहीं करना है, ध्यान रहे, गलती से भी आपको अपनी कमेंट एडिट नहीं करना है, ठीक है भाई। बस अब क्या है, आंसर दो, क्या लगता है आपको डेनियल सेन इस मैच में कितने कैच पकड़ेगा, कितने रन बनाएगा, कितने विकेट लेगा और कितने फैंटेसी पॉइंट लेगा। जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। अगर आपका आंसर सही निकलेगा, सबसे पहले निकलेगा, तो आपके 5555 रुपये कहीं नहीं गए, टेलीग्राम चैनल पे मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा विनर्स का, ठीक है। ऑलराउंडर यहाँ से मैं तीन ही लूँगा। अब आया था बॉलिंग सेक्शन में भाई मैं जंपा को लेने वाला हूँ। जंपा लेग स्पिनर है और भाई जंपा यार कहीं भी विकेट चटका देता है। स्पिन फ्रेंडली विकेट हो, फास्ट बॉलर को हेल्प हो, कहीं भी जंपा को विकेट मिल ही जाते हैं, तो जंपा जबरदस्त रहने वाला है, मैं लेने वाला हूँ। ट्रेंट बोल्ट भाई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, विकेट टेकर बॉलर और सबसे ज़बरदस्त बॉलर अगर बॉलिंग सेक्शन में कोई है तो वो है ट्रेंट बोल्ट। बोल्ट को मैं लेने वाला हूँ। डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेगा, शुरू में 2 ओवर गेंदबाजी करेगा, तो भाई ज़बरदस्त रहेगा, लेना बिल्कुल, लो आप आग बन करके ले लो। बाकी सी ग्रीन को भी आप ट्राई कर सकते हो। सी ग्रीन ऑलराउंडर प्लेयर है और भाई बिग बैश लीग में ज़बरदस्त रहता है इसका भी, ठीक है, ट्राई कर लेना। ग्रैंड लीग्स में खासकर स्मॉल लीग में भी ले सकते हो। नाथन कुल्टर नाइल ये भी ऑलराउंडर प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है और इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, जबरदस्त रहने वाला है। उस्मान कादिर के कम चांस है खेलने के, खेलता है तो देख लेने का टीम, वैसे कम ही चांस है। बाकी भाइयों यहाँ से मैं लेने वाला हूँ फजल अक फारूकी को। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और विकेट टेकर बॉलर है और अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ में अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप में मैच हुआ था भाई, ऑस्ट्रेलिया की धज्जियाँ उड़ा दी थी, 3 विकेट ले गया था, ठीक है, तो वही ऑस्ट्रेलिया की पिच है, समझ सकते हो आप, अच्छा रहने वाला है। बाकी भाइयों यहाँ से आप चाहो तो लुक वुड को भी ले सकते हो। लुक वुड अगर खेलता है तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप तनवीर सांगा को ले लो। तनवीर सांगा लेग स्पिनर है और लास्ट ईयर हाईएस्ट विकेट टेकर था बिग बैश लीग में, ठीक है, तो ध्यान रखना तनवीर सांगा जबरदस्त रह सकता है खेलेगा तो, ग्रैंड लीग्स में तो जरूर ट्राई करना। बाकी यहाँ से संधू भी फास्ट बॉलर है और अच्छा रहता है इसका भी, विकेट चटकाता है भाई ये बंदा भी, खेलेगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी यहाँ से कोच को भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी फास्ट बॉलर है, पर भाई अभी देखो अभी प्लेइंग 11 नहीं पता है, किसी को भी देखना पड़ेगा कौन कौन से फास्ट बॉलर खेलते हैं कौन से नहीं खेलते। बाकी हाँ, यहाँ से मैं एक बॉलर आपको बता देता हूँ, मैकेंड्रो को मैं लेने वाला हूँ। ये ज़बरदस्त बॉलर है भाई, लास्ट ईयर तो इसने मतलब विकेटों की झड़ी लगा दी थी, हर मैच में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 विकेट ले रहा था और आज सिलेक्शन इसका 8% है, ट्राई कर लेना भाई। और ये मैच 80-90% चांस है कि बंदा खेलने वाला है, ठीक है, बस यही सब मैं लेने वाला हूँ। मेरी टीम बन चुकी है, ये मेरी टीम है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं, तो भाइयों कैप्टन मैं बनाऊंगा डेनियल सेम को। डेनियल सेम पे मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे, डेनियल सेम मेरा कैप्टन रहेगा। वॉइस कैप्टन मैं बनाऊंगा मैक्सवेल को।
मैक्सवेल बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, अगर आप चाहो तो स्टोइनिस को भी बना सकते हो। तो भाइयों ये मेरी स्मॉल लीग की टीम, फाइनल नहीं है, फाइनल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है भाइयों, तो धन्यवाद भाइयों। बाकी हाँ, पूरे बिग बैश लीग आपको वीडियोस मिलती रहेगी, साथ में अभी लंका प्रीमियर लीग के भी वीडियोस देना मैं स्टार्ट करूंगा। अगर आपको डेली मैच प्रेडिक्शन वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अभी भाइयों अपना सीजन बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, हर मैच ही अपने ज़बरदस्त जा रहे हैं। रिजल्ट आप मेरे टेलीग्राम पे आओ देखो, बोलोगे हाँ यार भाई मज़ा आ गया। ठीक है, तो भाइयों बताई दिए मैंने, फाइनल टीम ये नहीं है, फाइनल मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, गिव अवे का आंसर भी जरूर देना। ठीक है भाई, तो धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।